मौत एक ऐसी सच्चाई है जो जीवन के शुरू होने के साथ ही एक साया की तरह साथ चलती है, जो धीरे धीरे ही सही पर अपने मुकाम तक पहुंचती जरूर है। किसी की मौत क्यों या कैसे हुई के जवाब में हम अक्सर बुढ़ापा, बीमारी या दुर्घटनाओं को कारण के तौर पर बताते हैं, पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे समाज में कई सारी ऐसे भी मौतें हुई हैं जो एक ऐसी पहेली बनी हुई है जिसे आज तक नहीं सुलझाया जा सका। इन मौतों को तो पुख्ता तौर पर यह भी नहीं बताया जा सकता कि यह मौत नेचुरल थी या मर्डर, और अगर मर्डर था तो कौन था कातिल। इस वीडियो में 5 ऐसी डेथ स्टोरी को जानने की कोशिश करेंगे जो अब तक एक रहस्य बनी हुई है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और इन्होंने भारत के पीएम पद को तब संभाला था जब भारत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कई सारी चुनौतियों से लड़ रहा था। एक तरफ भारत के अंदर यहाँ के पूंजीपतियों ने जमाखोरी और काला बाजारी से देश में भुखमरी की स्थिति पैदा कर रखी थी, तो वहीं दूसरी तरफ विदेशी ताकतों के दम पर पाकिस्तान कश्मीर को हथियाने के इरादे से भारत पर 1965 में आक्रमण करता है। जवाब में भारतीय फौज ने पाकिस्तानियों की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब कर दी और हमारी फौज पाकिस्तान के शहर लाहौर तक भी पहुंच जाती अगर जंग और 2 दिन भी जारी रहता। ऐसे में पाकिस्तानियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था और जंग रुकवाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगने पर मजबूर हो जाता है, जिस कारण अब भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जाता है कि दोनों देशों को आपस में शांति के साथ सुलह कर लेना चाहिए। ऐसे में 10 जनवरी 1966 में यूएसएसआर के तास्कन में भारत और पाकिस्तान के हुक्मरानों की बैठक होती है और दोनों देश एक पीस एग्रीमेंट पर साइन करते हैं और युद्ध समाप्ति की घोषणा करते हैं, और इस संधि के कुछ घंटों बाद ही 11 जनवरी 1966 में शास्त्री जी की मौत हो जाती है। मौत का कारण कोई दिल का दौरा बताता है तो कोई जहर देकर मारने की बात करता है, पर सच्चाई क्या है कोई भी पुख्ता तौर पर नहीं कह सकता, क्योंकि शास्त्री जी के मौत के बाद पोस्टमार्टम ही नहीं कराया गया। रिजवानुर रहमान कोलकाता के एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, जो पेशे से एक कंप्यूटर ग्राफिक ट्रेनर था और वह अपना एक प्राइवेट एकेडमी चला रहा था। उसके स्टूडेंट्स में से एक थी प्रियंका तोड़ी। पढ़ते पढ़ाते रिजवान और प्रियंका दोनों करीब आए और फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोनों का प्यार इस परवान चढ़ता है कि दोनों भूल गए कि इन दोनों के प्यार के बीच एक बड़ा फासला है जिसे समाज अमीरी और गरीबी के नाम से बेहतर जानता है। प्रियंका तोड़ी के पिता लक्स इंडस्ट्रीज के मालिक अशोक तोड़ी थे, जिन्हें इन दोनों का मिलना भी पसंद न था, तो सोचिए इन दोनों की शादी के लिए वो भला कैसे मान जाते। खैर 18 अगस्त 2007 रिजवानुर और प्रियंका ने गुपचुप शादी कर ली और फिर प्रियंका अपने पति रिजवानुर के साथ अपने ससुराल में रहने लगी, पर प्रियंका के घर वाले उसे किसी भी हाल में वापस बुलाना चाहते थे, पर प्रियंका नहीं मानी। ऐसे में कुछ दिनों बाद प्रियंका तक खबर पहुंचाई गई कि उसके पिता अशोक तोड़ी की तबीयत काफी खराब है और वह अपनी बेटी प्रियंका से मिलना चाहते हैं। बीमार पिता से मिलने प्रियंका अपने घर आती है और फिर कभी अपने ससुराल नहीं लौटती। वहीं रिजवानुर प्रियंका से बात करने और मिलने की काफी कोशिशें करता है पर नाकाम रहता है और काफी दुखी रहने लगता है। और फिर 21 सितंबर 2007 में रिजवानुर की मौत की खबर आती है। उसकी डेड बॉडी कोलकाता के रेलवे ट्रैक पर मिलती है। कोई इसे सुसाइड बताता है तो कोई इसे मर्डर, पर सच क्या है आज तक किसी को नहीं मालूम। आरुषि तलवार मात्र 14 साल की इस बच्ची की हत्या इसके अपने ही घर में 16 मई 2008 को नोएडा में हो जाती है। घर वालों और बाकियों का शक घर के नौकर हेमराज पर जाता है, जो आरुषि के मर्डर के बाद से लापता था। नोएडा पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है और जिस हेमराज पर सबको शक था उसी हेमराज को घर के छत पर मरा पाया गया। यानी उस रात न केवल आरुषि का मर्डर हुआ था बल्कि हेमराज का भी मर्डर हुआ था और दोनों की मौत लगभग एक जैसी और लगभग एक ही समय पर हुई थी। यानी सर पर किसी वजनी चीज से मारा गया था और बाद में किसी धारदार हथियार से गला काटा गया था और मौत का समय रात 12 से 1 के बीच का था। अब सभी का शक उस रात घर में रह रहे आरुषि के पेरेंट्स पर जाती है। पिता राजेश तलवार और मां नूपुर तलवार पर
पुलिस और मीडिया का शिकंजा कसता जाता है। नोएडा पुलिस के अलावा सीबीआई की जांच भी बैठाई जाती है, पर सच्चाई क्या है कोई भी सही सही नहीं बता पाया। शुरुआती जांच के आधार पर लोअर कोर्ट ने तलवार दंपति को दोषी करार दिया, पर अलाहाबाद हाई कोर्ट ने पर्याप्त सबूतों के अभाव को देखते हुए इन्हें आजाद कर दिया। फिलहाल यह केस सुप्रीम कोर्ट में नामजद है और तलवार दंपति आजाद है। पर सवाल अभी भी वही है कि उस रात जो दो मर्डर्स हुए, आरुषि और हेमराज के असली कातिल कौन है। राजीव दीक्षित एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जिनके व्याख्यान के वीडियोस हम अक्सर सोशल मीडिया में देखते सुनते आए हैं। राजीव दीक्षित स्वदेशी आंदोलन और आजादी बचाओ अभियान के प्रमुख नेता रहे हैं। इन्होंने अक्सर अपने भाषणों में अपने देश में बनी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया है। इन भाषणों में ये हमेशा विदेशी वस्तुओं और स्वदेशी वस्तुओं पर तुलनात्मक तरीके से अपने तर्कों को विस्तार से बताया करते थे। राजीव दीक्षित जब तक जिए तब तक उन्होंने अपने भाषणों के जरिए हमेशा प्रयास किया कि हर स्थिति में भारतीय किसान और यहाँ के छोटे व्यापारियों का अधिक से अधिक भला हो। स्वदेशी आंदोलन को और भी मजबूती मिले, इसलिए राजीव दीक्षित योग गुरु बाबा रामदेव के संपर्क में आए। बाबा रामदेव भी स्वदेशी आंदोलन के समर्थक रहे हैं। अब इन दोनों ने मिलकर विदेशी उत्पादों का खुलकर विरोध करना शुरू किया। राजीव दीक्षित अक्सर विदेशी दवाओं, खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों को निम्न स्तर का बताया करते थे, जिस कारण बढ़ते समय के साथ इनको नापसंद करने वाली विदेशी कंपनियों की संख्या बढ़ने लगी। ये विदेशी कंपनियां कभी भी यह नहीं चाहती थी कि राजीव दीक्षित इनके प्रोडक्ट्स के खिलाफ बोलें। ऐसे में जब 30 नवंबर 2010 में राजीव दीक्षित की मृत्यु हुई तो काफी लोगों ने शक जताया कि उनकी मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि उन्हें जहर देकर मारा गया है। राजीव दीक्षित की मौत तब से लेकर अब तक एक रहस्य बनी हुई है, क्योंकि उनकी मौत के बाद पोस्टमार्टम ही नहीं कराया गया। सुनंदा पुष्कर एक बिजनेस पर्सन और पॉलिटिशियन शशि थरूर की वाइफ थी। इससे पहले शशि थरूर की दो और शादियां हो चुकी थी और पहली दो बीवियों के तलाक के बाद तीसरी शादी सुनंदा पुष्कर से हुई थी। वहीं सुनंदा पुष्कर की भी दो शादियां हो चुकी थी और पहले दो पतियों से तलाक के बाद तीसरी शादी शशि थरूर से 2010 में हुई। दोनों की खुशहाल जिंदगी में तब एक बड़ा मोड़ आया जब एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेहर तरार के साथ शशि थरूर के अफेयर की खबरें फैलने लगी। अफेयर वाली बात कितनी सच्ची है यह अब भी संदेह के घेरे में है, पर इस र्यूमर ने सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर के मैरिड लाइफ को काफी प्रभावित किया। सुनंदा पुष्कर को इन र्यूमर्स पर इतना यकीन था कि उन्होंने शशि थरूर को अपनी हरकतों से बाज आने की चेतावनी दे डाली। और तो और सुनंदा पुष्कर ने तो यह कहकर वार्निंग दी कि उसके पास कुछ ऐसा राज है जो मीडिया में आ गया तो शशि थरूर की इमेज खराब हो सकती है। और यह राज था भी क्या आज तक किसी को नहीं मालूम। और फिर दिन आता है 17 जनवरी 2014 का। यह वही दिन था जब सुनंदा पुष्कर की मौत दिल्ली की 5 सितारा होटल द लीला पैलेस में होती है। बहुतों ने शक जताया कि सुनंदा पुष्कर डिप्रेशन की शिकार थी और उस रोज उन्होंने जरूरत से ज्यादा डिप्रेशन की दवा खा ली थी और यही उनकी मौत की वजह बनी। पर सच क्या है अभी भी एक रहस्य बना हुआ है।